हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का। एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उस प्रश्न का हाँ नाम क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। लैंथेनाइड आकुंचन के कारण व परिणाम का उल्लेख कीजिए, या फिर पूछ सकता है लैंथेनाइड आकुंचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर लैंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए उदाहरण सहित। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें आपको लैंथेनाइड आकुंचन में लिखना है, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में समग्र ह्रास लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। दो लाइन का ये आपका आंसर है और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, बस वीडियो का लास्ट तक बने रहें। जब हम एल ए यानी कि लैंथेनम यानी जो 57 नंबर पर आता है और ल्यूटीशियम जो कि 71 नंबर पर आता है, तब परमाणु एवं आयन आकार नियमित घटता है। यही प्रभाव जो होता है वो लैंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है या कहलाता है। अब इसके कारण भी देख लेते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव होने के कारण होता है। श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव कम होता है, तथा श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु के आकार में एक नियमित ह्रास होता है या कमी होती है। लैंथेनाइड श्रेणी में आकुंचन का संचयी प्रभाव लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। अब बात करेंगे इसके परिणाम के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। समान वर्ग में उपस्थित द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के परमाणु आकारों में समानता, यानी कि आवर्त सारणी में लैंथेनाइडों से पहले तथा बाद में आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट होता है कि स्कैंडियम से वाई यानी वाई से लैंथेनम तक आकार में नियमित वृद्धि होती है, जो इस प्रकार से दिया गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी, यानी कि स्कैंडियम, वाइट्रियम और लैंथेनम, टाइटेनियम, जर्मेनियम, इसी प्रकार से पूरे मैंने ऑलरेडी श्रेणी में दे रखे हैं। इसके आगे देखेंगे कि इसी प्रकार हम अन्य वर्गों में आकार में समान वृद्धि की अपेक्षा कर सकते हैं। यद्यपि लैंथेनाइडों के पश्चात द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणियों में त्रिज्याओं की वृद्धि लगभग नगण्य होती है, जिसकी आप लोग देख सकते हैं। हेल्प करने के लिए मैंने बना दिया पूरा फिगर सही। तथ्यों की युग्मियों यानी जोड़ों जैसे JRHFNBTA व MOW की आकार समान लगभग होते हैं, तथा इन तथ्यों के गुण भी समान होते हैं। अर्थात लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम स्वरूप द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्व प्रथम तथा द्वितीय संक्रमण श्रेणियों के तथ्यों की तुलना में परस्पर अत्यधिक समानता रखते हैं। अब दूसरा नंबर पॉइंट दिया गया है लैंथेनाइडों में समानता। लैंथेनाइडों की त्रिज्याओं में अत्यंत कम परिवर्तन के कारण उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, अतः तथ्यों को शुद्ध अवस्था में पृथककृत करना अत्यंत कठिन होता है। पुनरावृत्त प्रभाजी क्रिस्टलन अथवा आयन विनिमय विधियों पर आधारित आधुनिक विधियों द्वारा इनके त्रिसंयोजी आयनों के आकारों में अत्यल्प अंतर के आधार पर इन्हें पृथककृत किया जाता है। इन विधियों द्वारा तत्वों के गुण जैसे विलयता, संकुल, आयन निर्माण, जलयोजन आदि से बहुत कम अंतर के आधार पर इन्हें पृथककृत किया जाता है। अब तीसरा नंबर पॉइंट है क्षारकता में अंतर। लैंथेनाइड आकुंचन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से घटता है। आकार में कमी के फलस्वरूप लैंथेनाइड आयन OH- आयनों के मध्य सहसंयोजक गुण लैंथेनाइड 3+ से ल्यूटीशियम 3+ तक बढ़ते हैं। इसलिए परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रोक्साइडों को क्षारकीय सामर्थ्य घटती है। अतः LaOH का होल थ्राइज 3 अधिकतम क्षारकीय है, जबकि ल्यूटीशियम OH का होल थ्राइज 3 सबसे कम क्षारकीय है। तो ऑलरेडी मैंने ये बता रखा है पूरा लैंथेनाइड आकुंचन को कारण सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जो आप लोगों को रट के जाना है एग्जाम के पहले ही, ताकि पूरे अंक मिल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज नंबर लाना हो तो हमारे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें।